तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चाट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये लिया है लोबिया। दिखा देती हूँ मैं आपको कि लोबिया किसे बोलते हैं, क्योंकि जैसा मैं अपनी पहले भी वीडियो में बताती हूँ, आजकल के बच्चों को नहीं पता है कि लोबिया क्या होता है और दालें कौन कौन सी होती हैं। तो ये होता है लोबिया, इसे अब हम बॉईल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे भिगो करके नहीं रखा है, बिना भिगोए ही मैं इसे बॉईल करने रख रही हूँ। अच्छे से 4-5 बार धो लिया है मैंने इसे और अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। तो ये जो बॉईल करने वाला मेथड है, ये मैं अपनी लोबिया की जो सब्जी रेसिपी मैंने अभी शेयर की थी उसमें आपके साथ में शेयर किया था, लेकिन मैं फिर से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आपका इंस्टेंटली मन कर जाए कि लोबिया की सब्जी बनाएं, लोबिया की चाट बनाएं, तो आप झटपट से बना सकते हैं। तो ये देखिए, लोबिया मैंने कुकर में डाल दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्दी चाट होती है ये। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद में हम इस पर लगाएंगे ढक्कन और इसके बाद इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रखेंगे। इसके बाद में हम फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम और 3 सीटी इसमें लगाएंगे, तो लोबिया आसानी से उबल जाएगा। दोस्तों आपकी वेट लॉस जर्नी में ये चाट बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, और अगर घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। आप ब्रेकफास्ट में या डिनर में जैसे आपका मन करे खा सकते हैं। तो ये देखिए 3 सीटी आ गई हैं और अब मैं आपको लोबिया दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं इससे चाट। चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक बॉल और इसमें डाल दिया है आधा चुकंदर बारीक काट करके, एक मैंने प्याज डाला है यहाँ बारीक कटा हुआ। सब्जियाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो या फिर जो डालना चाहें। एक मैंने हरी मिर्च डाली है बारीक कटी हुई, और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक खीरा और एक टमाटर बारीक कटा हुआ। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा चाट मसाला, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कटोरी लोबिया उबला हुआ, और इसे अब हम मिक्स करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे काला नमक करीब 1 चम्मच। तो नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू, तो 1.5 करीब मैं यहाँ पर नींबू ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि हल्का सा खट्टा ये अच्छा लगता है। आप इसमें पनीर, पत्ता गोभी, गाजर, जो सब्जी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखिए, नींबू मैंने निचोड़ लिया है इसमें। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद में सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। आप इसमें अगर हरे धनिया की चटनी डालना चाहते हैं ना, तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये लीजिए, हमने मिक्स कर दिया है, सबसे लास्ट में डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, और हमारी स्वादिष्ट और हेल्दी चाट बन करके तैयार है। तो दोस्तों इसी तरह की आसान टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप प्लीज़ उन सभी को देखिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये चाट की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।